हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अभी तो 7 बज गया है और मैं तो उठ के नहा पी लिया है और मैंने अपने लिए पानी भी गर्म कर लिया है। अभी ये मैं गर्म पानी पीऊँगी, उसके बाद मुझे ना ये सब्ज़ी कट करना है। आज से नित्योदिता स्कूल जाएगी और उसके लिए मुझे नाश्ता भी बनाना है, हमारे लिए भी बनाना है। तो मैं पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी बना लूँगी और रोटी बना लूँगी। तो पहले मैं गर्म पानी पी लेती हूँ और मैंने थर्मस में भी डाल दिया है, रख दिया है गर्म पानी नित्यों के लिए। जब उठ नित्य दत्ता उठेगी उसको मैं दे दूँगी। पहले मैं ये गर्म पानी पी लेती हूँ। तो ये मुझे कट करना है, पहले ये डंडी काट लेती हूँ। आज तो बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि आज से नित्योदिता स्कूल जाएगी, सबका स्कूल खुल गया। कल से स्कूल खुल गया लेकिन नित्योदिता कल गई नहीं क्योंकि उसका यूनिफॉर्म नहीं था। तो हमने सोचा कल, मतलब कल भेजेंगे, तो आज मैंने उसके लिए भेजूँ, आज मैं उसको स्कूल भेजूँगी। अभी तक उठी नहीं, अब उसको मैं उठा दूँगी 7:30 बजे। तो पहले मैंने ये सब्ज़ी कट कर लेती हूँ, उसके बाद उसको मैं उठा देती हूँ। काफ़ी दिन से पड़ा था ये पत्ता गोभी ना, बनाए नहीं। इसके बाहर के जो वो था छिलका, बाहर के जो कवर था वो पूरा पीला पीला हो गया था, मैं इसको निकाल दिया है। और निकालने के बाद ये जो हरा रहा है इसको रख के इसको मैं कट कर रही हूँ। तो 2 दिन से मैंने इसका सब्ज़ी बनाया नहीं, 2-3 दिन हो गया था सब्ज़ी लेके आए तो मैंने बनाया नहीं, तो ये पीला हो गया इसका बाहर का भाग। अभी तो इसको निकाल के मैं इसको कट कर रही हूँ। यहाँ पर तेल गर्म हो गई है, मैं यहाँ पर जीरा डाल देती हूँ। उसके बाद ये आलू और ये आलू और पत्ता गोभी को कट मैं इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं नमक डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार, और उसके बाद मैं यहाँ हल्दी डाल देती हूँ। उसके बाद इसमें तो इसका गैस का फ्लेम मैं कम ही रख रही हूँ। आज से स्कूल जा रहा है ना? अच्छा, लंच बॉक्स भी है तो रीता का, मैं लंच बॉक्स लेके आई हूँ ना। गर्म पानी पी लो, ठीक है? पहले गर्म पानी पी लो उसके बाद मंजन कर लो। ठंडी ठंडी कर दे, स्वेटर लेके आते हैं। यहाँ पे हमारा सब्जी बन के रेडी हो गया है और यहाँ पे मैंने सब्जी बना लिया है। यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी। यहाँ पे आटा गूंद के रख लिया था मैंने पहले, तो ये यहाँ पे अब मैं रोटी बना लूँगी। यहाँ पर दो 3 पराठा बना देती हूँ, 2 खाएगी 2 लेके जाएगी। 3 बना तू, ट्रायंगल वाला पराठा बाबा को पसंद है ना। कितना चाहिए, कितना पराठा चाहिए? 1 लेके जाएगी 1 खाएगी 2 खा लो तो 1 लेके जाओ, ठीक है? 12 बजे आओगे फिर 1 खाओगे, ठीक है? 1 खाएगी तो 1 खाएगी। सब्जी बना लिया है मैंने, आलू और पत्ता गोभी, थोड़ा सा सब्जी बना दूंगी, चाय तो पीती नहीं मैं। ट्रायंगल वाला बना दूंगा नित्य दीदा। अच्छा ठीक है, तो 1 लेके जाएगी 1 खाएगी, ठीक है ठीक है। तुम फटाफट मंजन करो। यहाँ पे नित्यों के लिए ट्रायंगल वाला पराठा बना रही हूँ मैं, क्योंकि नित्यों को ज़्यादा पसंद आती है, तो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल वाला। तुम नित्यों के लिए मैंने 2 ही रोटी बनाई हूँ पराठा, क्योंकि वो बोल रहे 2 ही 1 खाऊंगी 1 लेके जाऊंगी। मैंने बोला कि 2 खा लो, तो नहीं बोले नहीं खाऊंगी। तो यहाँ पे और आटा बचा है, मैं आके नीतू को छोड़ के आ जाऊंगी तब मैं हमारे लिए बना लूंगी। तो यहाँ 1 बना रही हूँ, यहाँ पे 1 बन रहा है। लो नाश्ता कर लो बेटा, जल्दी जल्दी करना है, लो मैं खिला दूँ इसको ना, साफ करना भी है इसको ना। हाँ, नीतू के लिए मैंने कल दुकान से लेके आई है ना ये बोतल लंच बॉक्स, इतना अच्छा सर ये बॉटल, पानी का बोतल ना। मैंने चूज किया है। अच्छा, तुमने चूज किया है? अच्छा, कितना अच्छा। अब इसको ना गर्म पानी डाल के इसमें तो गुनगुना पानी डाल के इसको साफ कर दूंगी, ये कितना अच्छा है ना नीतू के लिए, सही है। तो मैंने ये वाला ले लिया दुकान से नीतू के लिए। पापा बोल रहे आराम से
यहाँ से ये भी सकता है। तो ये वाला लॉन्च बॉक्स इतना अच्छा ना, प्रिंसेस वाला बहुत अच्छा। नित्य को पसंद है, काफी दिन से बोल रही थी नित्य दीदा यही वाला लॉन्च बॉक्स मम्मी दे दो। तो मैंने तो कल दे दिया था उसको, तो ये लॉन्च बॉक्स दे दिया, ये बोतल दे दिया, और यहाँ पे ऐसे निकलती है, और यहाँ पे चम्मच भी है। कितना अच्छा, ये काफी अच्छी है, ये लॉन्च बॉक्स काफी साल चल जाती है। हाँ ये कुछ सब्जी डालने के लिए हो गया। हाँ छोटा सा पैर से नहीं तो कम सब्जी खाती है ना, तो ये सब्जी डालने के लिए। तो इसमें ना ये दे रखा है, इसको गर्म पानी करके साफ कर देंगे। तुम नाश्ता कर लो, इसको मैं साफ कर देती हूँ, ठीक है। हाँ तुम नाश्ता फटाफट कर लो, मैं ले जाके ना साफ कर देती हूँ। कितना अच्छा प्यारा सा प्रिंसेस वाला, काफी दिन से बोल रही थी ना। हाँ नीतू को ये पसंद आ गया था, तो नीतू ने मम्मी ये ले लूंगी बोल रही थी। हाँ ले लो बेटा, क्या हुआ। तो मैंने उसको शॉप से ही निकाल के दे दिया। अच्छा कोई बात नहीं, जो पसंद आए वो लेना। अब मैं इसको ना गर्म पानी करके साफ कर देती हूँ, तुम नाश्ता कर लो, तो उसके बाद ड्रेस पहनना। ड्रेस का बटन बहुत टाइट है, और नीतू का क्या क्या आना बाकी है। एक व्हाइट ड्रेस आना बाकी है, शूज आना बाकी है, और क्या आना बाकी है, बैग आना बाकी है। मेरे पापा लाए थे। हाँ पापा ले आए थे, ले आ देंगे बैग। पापा को पता नहीं, पापा बोले जब जाएंगे तब लाएंगे। अब मेरा पुराना बैग का चेन ठीक हो गया। हाँ तो अभी दो चार दिन यही बैग लेके जाओ, पुराना वाला नए बैग पापा पर रखे। हाँ वहाँ पे है, तो नए बैग आएगा तो वो नए लेके जाना है, ठीक है। आज लेके जाओ, पूरा मत लेके जाओ। ज्यादा मत लेके जाओ, तो आप में पता चलेगा। अभी कॉपी लेके जाओ, इतना सारे बुक कॉपी इतना ज्यादा लेके जाएगी। इंग्लिश का होगा तो इंग्लिश का भी लेकर चले दो। हाँ वहाँ पे हैंकी है, लेके आता हूँ। हैंकी रोज सोच रीता तो रेडी हो गई स्कूल जाने के लिए। नीतू रीता आज हैप्पी है ना, सैड इसको जाने में सैड नहीं बोलते, हैप्पी बोलते। इतना ज्यादा बुक मत लेके जाओ ना, इधर आ जाओ। नित्य दीता का भी बैग पैक हो गया है, नित्य दीता का यहाँ पे सारा लंच बॉक्स बैग पैक हो गया है। नित्य दीता भी बोल रहे सैड हूँ, सैड नहीं होना चाहिए स्कूल जाने के लिए, हैप्पी होना चाहिए। तो इतना भारी बैग कैसे लेके जाएंगे, पूरा बुक मत लेके जाओ बोल रही। हाँ तो इतना भारी है, देखते कैसे नहीं उठा पाए। मैं ले जाऊँगी बाबू, मैं ले जाऊँगी, तुम नहीं उठा पाओगे। तो हम लोग नित्यू के स्कूल में जाते हैं, नित्यू को छोड़ के आते हैं। नित्य दीता तो आज खुश है स्कूल जाने में, सैड हो क्यों, सैड हो, खुश होना चाहिए ना स्कूल जाने में। दो साल के बाद इंतजार करने के बाद आज स्कूल खुली हुई है, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। लेकिन नित्य दीता हैप्पी नहीं है, यहाँ पे सैड हूँ बोल रही है। तो स्कूल तो जाना चाहिए ना, पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। इधर देखो तो हैप्पी हो, सैड हो, रोना मत, ठीक है, ओके। नीतू दीदा लो मास्क पहन के जाना है ना, मास्क पहन के स्कूल जाना है, बिना मास्क नहीं जाना है ना नीतू दीदा। हाँ मास्क पहन के जाना है, अभी भी कोरोना वायरस है तो मास्क पहन के जाना है। तो नीतू दीदा ने पहन लिया। हाँ कितना अच्छा दिख रहा है, अब मैं भी पहन लेती हूँ मास्क। वाटर बॉटल भी है, और ये भी लेके जाना है शॉप में जाते टाइम। ये क्या सस्ता वाला उधर ही है, वहाँ पे शॉप में दुकान में वहीं पे है, थोड़ा अच्छा वाला जेमेट्री वो नहीं है, लॉन्च बॉक्स नहीं है, शॉप में खत्म हो गया है। मैं शॉप में आ चुकी हूँ, शॉप में आने के बाद मैंने ये सामान है ना यहाँ पे
तो ये घर से लेके आई थी, तो ये सामान को मुझे सेट करना है और लगाना है इसकी जगह पे। तो 10 बजे आई थी, तो आधे टाइम यहाँ पे लाइट भी नहीं है, घर पे भी लाइट चली गई थी और यहाँ भी लाइट चली गई है। तो अंधेरा अंधेरा होती है, लाइट नहीं होती ना, पूरा अंधेरा दिखता है शॉप में, तो लाइट होना ज़रूरी होती शॉप में, नहीं तो अंधेरा होता। और लाइट होती तो ये सारा सामान चमकता है, और दिन में भी लाइट जला के रखना होती है। तो अभी लाइट है नहीं, पता नहीं कब आएगा लाइट। तो उससे पहले मैंने ये ना सामान ये फैला हुआ है, इसको सेट कर देती हूँ। यहाँ पे इतने सारे हैं, ये प्लेट ही है और ये किचन सेट है, और ये किचन सेट है और ये प्लेट ही है, और ये जो नीतो के लिए दिया था ना वैसी है, ये पजल है जो नीतो को हमने भी दिया था गिफ्ट में, तो रिटर्न गिफ्ट दिया था, तो ऐसी है ये बटरफ्लाई है। और ये अल्फाबेट है, पजल अल्फाबेट, ये मैग्नेट वाला अल्फाबेट है। और यहाँ कल शाम को ना मैंने डायर ऐसे रख दिया था, इसको ना पन्नी में नहीं रखा था, ये बिना पन्नी रख में ऐसे होते ना, ये पन्नी में नहीं रखा था, इतना धूल जम जाती है। लेदर वाला डायरी है, अच्छा लेदर वाला डायरी मतलब लेदर वाला डायरी है, और इसको ना पन्नी में रख देती हूँ, पन्नी में नहीं रखेंगे इतना धूल हो जाती है, तो इसको पन्नी में ही रखना होती है। तो सारा सामान इतना धूल आती बाहर से, तो साफ भी किया नहीं जा सकता कि सारा सामान, इतने सारे सामान है, और तो इसलिए हम इसको ना छोटे छोटे चीज़ को पन्नी में रख देते हैं। तो ऐसे करके रखने से इस शीशा में हमें ऐसे शीशे में लगा देंगे तो धूल कम जाती है। तो बाहर रखेंगे तो एक दिन में पता नहीं इसका कलर ही अलग हो जाती है, तो इसके अंदर रख देते हैं पहले। ये गन, ये भी गन आया था, नित्य दीता स्कूल से आ गई है, 12 बजे नित्य दीता का छुट्टी हो गई थी तो मैं गई थी लेने, तो मेरे हस्बैंड शॉप में थे तो मैं नित्य को लेने चली गई थी, तो नित्य दीता आ गई है। लंच भी पूरा ख़त्म कर दिया ना, हाँ लंच भी पूरा खा लिया मैं आके, चावल तो मैंने दाल पहले बना के गई थी, और आके अभी मैं चावल बैठा दिया है गैस पर, और दाल को उबाल आने वाला है, और दाल में उबाल आने वाला है और मैं उसमें तड़का लगा लूँगी और लहसुन छीलना है। तो नित्य दीता कैसा था स्कूल, अच्छा था? अच्छा था, हाँ तो हैप्पी है अभी? हाँ हैप्पी। तो 12 बजे इन लोगों का छुट्टी हो जाती है, अभी तो 12 बजे इन लोगों का छुट्टी है हो जाती है, क्योंकि बाद में पता नहीं 2 बजे तक होगा इनका छुट्टी, अभी तो अभी स्कूल खुला है। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहीं तक था, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नित्य दीता भी बोलो बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।